नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने ज़मीन का रसीद कैसे ऑनलाइन निकाल सकते हैं, कैसे खोज सकते हैं, खाता नंबर या प्लॉट नंबर से, या आपका कितना लगान बकाया है, या बकाया के लगान रसीद कैसे कटवाना है, जब पैसा जमा करना है, सारा कुछ आप कैसे घर बैठे अपने मोबाइल से, पीसी से या लैपटॉप से कैसे भर सकते हैं और रसीद कहीं से भी जाके निकलवा सकते हैं, या आपके पास प्रिंटर है तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं, या तो फिर पीडीएफ के फॉर्म में सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो सब कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा एक एक पेज आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा तो बिल्कुल भी बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि अच्छे से समझ सकिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम खोल लीजिएगा, वहाँ पे टाइप करने के लिए मिलेगा, वहाँ टाइप कीजिएगा लैन रिकॉर्ड, जो भी स्टेट का आप है वहाँ का स्टेट डाल दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आपका सेकेंड मतलब पहला जो वेबसाइट खुलता है लैन रिकॉर्ड करके, उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट पेज में आएगा, वहाँ पे पूरा स्टेट के बारे में बताएगा, जो भी स्टेट का भी खोलना है वहाँ पे। झारखंड, मैंने झारखंड स्टेट का खोला है तो झारखंड स्टेट का लैन रिकॉर्ड खुल गया। फिर जैसे ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइएगा, वहाँ पे डैशबोर्ड, परिशोधन, ऑनलाइन लगान, रेवेन्यू कोड, निबंधन, कंप्लेन, मॉनिटरिंग सिस्टम, सारा कुछ लिखा हुआ। तो आपको कहाँ क्लिक करना है, ऑनलाइन लगान पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखिए रजिस्टर टू, बकाया देखिए, पिछली भुगतान देखिए, ऑनलाइन भुगतान करें, तो हमको क्लिक करना है ऑनलाइन भुगतान करें में। तो यहाँ जाएंगे तो हमको सारा चीज़ मिल जाएगा जो भी हमको चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है ज़िला का नाम, अंचल का नाम, हल्का नाम, मौजा नाम, ये सब, तो ये सब का डाल लेना है और खाता नंबर डाल के कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डाल तो चलिए हम डिटेल्स भरते हैं। ज़िला का नाम में रांची डाल दिया, अंचल का नाम ओरमांझी, और हल्का चार नंबर, हल्का अपना पता कर लीजिएगा, और मौजा डाल दिया चकला गांव का नाम। फिर खाता नंबर 68, तो यहाँ देखिए खाता नंबर 68 में जितना भी प्लॉट है सारा का सारा यहाँ शो कर देगा। तो जिसका भी आपका नाम में रैयत है उसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो अगला नेक्स्ट पेज है वहाँ पर आपको खुलेगा, यहाँ पर पूरा डिटेल बताएगा रैयत का, पिताजी का नाम, जिसके नाम में ज़मीन है या खतियान था उसका, ठीक है, खतियानी वाला शो करेगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइएगा तो यहाँ पे आपको ज़मीन का डिटेल बताएगा कि आपका उस प्लॉट में कितना ज़मीन है, कितना एकड़, कितना डिसमिल है, सारा कुछ बताएगा। फिर अगर नीचे देखिए आपका बकाया देखे, पिछली भुगतान देखे, सारा कुछ वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो शो कर देगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया पिछली बकाया देखने में, तो बकाया देखिए है 122.60 रुपया। फिर यहाँ से हम भुगतान में जाएंगे तो भुगतान भी कर पाएंगे, अगर पिछला रिकॉर्ड देखना है तो पिछला रिकॉर्ड भी कर पाएंगे, ठीक है। अब हम निकालते हैं रसीद। रसीद निकालने के लिए पिछला भुगतान देखेंगे, जाएंगे फिर यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखे करके राइट साइड में येलो कलर में, वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर मेरा पिछला रसीद आ जाएगा, या ज़मीन का रसीद बोले वो आ जाएगा, तो ठीक है।